ये देखिए दोस्तों, हमारे घर आज तुलसी विवाह के लिए तुलसी सज गया है। जी हाँ, आज तुलसी विवाह होगा शालिग्राम के साथ तुलसी महारानी का। और ये फाल्गुनी आज पूरा तैयारी की है तुलसी विवाह के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर चला गया था और अभी आया हूँ। तो ये पूरी तैयारी हो गया है, आप देख सकते हैं तुलसी विवाह का। और ये हमारा तुलसी चौरा, आप देख सकते हैं, हमने इस साल इसको बहुत ही सुंदर सा बनाने का प्रयास किया है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साल। ये देखिए, इस प्रकार हमने इसको सजाया है, इस प्रकार से बनवाया है तुलसी चौरा को। पहली बार इस प्रकार पूजा हम लोग करेंगे इस प्रकार तुलसी चौरा में, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस साल पूजा करने का प्रयास किया है। और ये पूजा सामग्री आ गया है, और इधर पूरा रंगोली बनाने का काम इस साल फाल्गुनी साहू ने किया है। ये देखिए, सुंदर सा रंगोली बनाई है। और यहाँ पर देखिए, तुलसी चौरा में कृष्ण राधा का जो मूर्ति है ना, यहाँ पर ये देखिए बना हुआ है, और यहाँ पर भी सुंदर सा रंगोली बनाने का प्रयास किया गया है, ये देखिए। तो चलिए तुलसी विवाह करते हैं। फ्रेंड्स, दीदी ने सारी चीजें सजाई हैं, यहाँ पे रंगोली बनाई है दोनों साइड, और इसको पूरा सजाने का काम दीदी ने ही किया है। पापा ने ये गन्ने लाए हैं और यहाँ पे हमने सारे दिए रख दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे तुलसी माता का चुन्नी भी ओढ़ा दिया है हमने। और ये सारी चीजें ना दीदी ने, तुलसी चौरा भी बहुत सुंदर दिख रहा है। हमने यहाँ पे टाइल्स लगवा दिया है, आपने वीडियो देखा होगा। ये देखिए कितना सुंदर, हमारे तुलसी चौरा में राधा कृष्ण ये देखिए राधा कृष्ण जी का भी यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। और यहाँ पे भी ये देखिए बहुत सारे टाइल्स के उपयोग से बना है। और ये ग्रेनाइट है, और ये देखिए पूरा सजाया है हमने तुलसी चावल। कौन भगवान से आपको पता है? बताओ किसके साथ हुआ है? शालिग्राम। हाँ, शालिग्राम। शालिग्राम कौन सा भगवान है? और शालिग्राम विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का है ना, वो जो है शालिक रूप में प्रकट हुए थे। और ये तुलसी महारानी है, और तुलसी महारानी का विवाह हो गया है शालिग्राम जी महाराज से। और आप सभी जानते हैं कि शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण किया था सती वृंदा से विवाह करने के लिए। और आज के दिन सभी तुलसी महारानी का विवाह करते हैं शालिग्राम के साथ। और हम लोगों ने भी इस प्रकार, आप देख सकते हैं, हमने भी शालिग्राम का विवाह तुलसी महारानी के साथ किया हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दृश्य जो है। और ये राघव जो है पूरा तैयारी किया है आज के शादी का, और ये गुनी साहू दोनों ने मिलकर खूब तैयारी किया है आज के विवाह का बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोगों ने भी निश्चित रूप से तुलसी विवाह जरूर कर लिया होगा। और आप सभी जानते हैं आज के बाद से शादी का लग्न जो है प्रारंभ हो जाता है। आज के बाद शादी होना रहता है, शुभ लग्न माना जाता है आज के दिन के बाद। तुलसी विवाह के बाद सभी लोग शादी करते हैं, शादी की तैयारी करते हैं। और ये देखिए हमारा तुलसी विवाह हो गया, संपन्न हो गया। और आप लोग को तुलसी विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राघव, सबको बधाई नहीं दोगे तुलसी विवाह का? हाँ गाइस, आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाना तुलसी विवाह, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक। और आप फ्रेंड्स, आप सबको तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमको तो बहुत मजा आया। आप भी एकदम अच्छे से तुलसी विवाह मनाइए और कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन, तुलसी विवाह करने के बाद रात में इस प्रकार के जो बांस से बने हुए जो एक प्रकार का पात्र होता है ना, जिसको सूपा है या कुछ और भी प्रकार के जो पात्र होते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अपने घरेलू कार्य करते हैं, जो खराब हो चुका होता है उसको जलाया जाता है। और इसमें घी डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं, धूम धूप इसमें डाला जाता है, और भगवान से प्रार्थना किया जाता है। तो ये गांव में परंपरा है, और आपके साइड ये परंपरा होता है कि नहीं होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा परंपरा चला आ रहा है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोग ने ऐसा किया, और हम लोग भी इसको इस प्रकार जो पुराने पात्र होते हैं लकड़ी के बने हुए, खास करके बाँस से बने हुए, उनको इस प्रकार जलाया जाता है। तो ये देखिए राघव जो है मस्ती करते हुए जला रहा है, ये देखिए।